थोड़ा करने में देर हो रहा, बराबर आ रहे हैं, इसको जल्दी से जल्दी एक डेढ़ महीने के अंदर हम करवाएंगे, वही हम देखने ना आते हैं जी। मेरा सुझाव पहले का है तो वही रहा है, तब करीब करीब हो जाएगा, एक महीना के अंदर पूरा तैयार हो जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बापू टावर का निरीक्षण करने पहुंचे। बापू टावर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जाता है। आज वो कैबिनेट और अधिकारियों के साथ वहां पर पहुंचे और बापू टावर का निरीक्षण किया, साथ ही साथ अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। साफ कह दिया है कि एक महीने के भीतर भीतर इसका जो बचा हुआ कार्य है वो पूरा हो जाना चाहिए। तो वहीं नीट पेपर लीक मामले को लेकर क्या बवाल मचा हुआ है ये तो आप जानते ही हैं। इसको लेकर भी नीतीश कुमार से सवाल किए गए, तो उस पर नीतीश कुमार की क्या प्रतिक्रिया सामने आई आप वो भी देखें। हाँ, तो बराबर देख रहे हैं, तीनों को थोड़ा करने में देर हो रहा, बराबर आ रहे हैं, इसको जल्दी से जल्दी एक डेढ़ महीने के अंदर हम करवाएंगे, वही हम देखने ना आते हैं जी। मेरा सुझाव पहले का है तो हो ही रहा है, तब करीब करीब हो जाएगा, एक महीना के अंदर पूरा तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद उसको फिर अगले महीने में। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। उन्होंने बापू टावर को लेकर तमाम अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दे दिए हैं। बापू टावर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आज उनके साथ कैबिनेट के नेता और अधिकारी मौजूद नजर आए जब वो बापू टावर का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस निरीक्षण के बाद कहते नजर आए कि हम खुद सारा काम देख रहे हैं और हमने ये साफ निर्देश दे दिया है कि एक महीने के भीतर भीतर जो सारा काम है वो हो जाना चाहिए। बापू टावर को लेकर तो काफी कुछ कहते नजर आए नीतीश कुमार, लेकिन जैसा कि आपने देखा नीट पेपर लीक मामले को लेकर जब उनसे सवाल किए गए तब नीतीश कुमार ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली और वहां से वो चले गए। नीट पेपर लीक मामले को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। जहां विपक्ष एनडीए सरकार को घेर रही है तो वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिंक होने की बात कहते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव को पूरे मामले में घेरते नजर आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले को लेकर अब तक कुछ भी नहीं कहा है। और आज जब वो बापू टावर का निरीक्षण कर निकल रहे थे, पत्रकारों ने उनसे इस मामले पर सवाल किया। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, एनटीए के अध्यक्ष को पद से हटा दिया गया है। इन तमाम घटनाओं के बाद भी नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले पर कुछ ना कहना ही बेहतर समझा, इस सवाल पर पूरी तरीके से चुप्पी साध ली और वहां से चले गए। आखिर नीतीश कुमार इस पूरे मामले को लेकर कब तक प्रतिक्रिया देते हैं और क्या प्रतिक्रिया देते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।